हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम लोग का जो ट्रिक है वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है हमारा, और बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये ट्रिक जो है, आपको जो मेथड स्कूल में सिखाया जाता है, तो एग्ज़ाम में आप ये ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, आप वही मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक सिर्फ इसलिए है आप लोग के लिए कि आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हो कि जो हमने सॉल्व करके निकाला है वो आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। तो देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6:7 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8:9, देन व्हाट विल बी ए रेशियो बी रेशियो सी। हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हमने इस तरह से लिख लिया है ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, अब ए रेशियो बी हमको दिया हुआ है 6:7, तो हमने ए के नीचे लिख लेना है 6 एंड दिस विल बी रेशियो 7। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8:9, तो नेक्स्ट हमको लिख लेना है बी में 8:9। अब हमको देखना है कि क्या हमारा ट्रिक क्या है। अभी ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है ना, इसमें हमने क्या करना है, तो जो नेबर में नंबर है इसके, उस नंबर को फिल कर लेना है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस में जो नेबर वाला नंबर है उस नंबर को हमने फिल कर लेना है। बस बहुत सिंपल है। अब इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6:48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7:8, बीच में रेशियो का मार्क बनाना मत भूलिएगा, 56 फिर से रेशियो एंड 7 9 = 63। सो योर आंसर इज ए रेशो बी रेशो सी इज 48:56:63। प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ ओनली द ट्रिक टू चेक योर आंसर। प्लीज़ डोंट सॉल्व योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स बाय दिस मैथड। थैंक यू, विल कम बैक सून विद आवर नेक्स्ट ट्रिक।